क्वेश्चन। हाय कैसे हैं दोस्तों आप लोग, मैं शेफ इंदर, आज आप लोगों के साथ मैं कुछ चीज़ शेयर करने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सिंपल भी है। और आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक सूप, टमेटो का सूप नहीं, शोरबा कर रहे हैं, जो बेसिकली मैंने कुछ चीज़ सोच के और छोटा बहुत अपने तरीके से रिसर्च करके वो चीज़ को फाइंड आउट किया है जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है कोल्ड वायरस से लेके, तो थोड़ा आपको हेल्पफुल होगा कि आपको सर्दी जुकाम ना हो इसके लिए। तो हम लोग बनाएंगे आज टमेटो शोरबा, और उसके अंदर जैसे हम लोग काली मिर्च डालते हैं, जिंजर डालते हैं, या फिर उसके अंदर लहसुन डालते हैं, कुछ टमाटर भी, ये बहुत सारा स्ट्रांगनेस होती है इसके अंदर बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, तो आपकी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है बॉडी की उसको बढ़ाता है। तो इस चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारी जो भी वायरस अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है बेसिकली जिसका डिफेंस सिस्टम बॉडी का वीक है। तो आप लोग घरों में हैं, मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मेरी तरफ से मैं एक छोटा सा अपनी पहल कर रहा हूँ, तो आप लोगों की रेसिपी देख लीजिए, और बहुत सिंपल है, घर में है तो आप इसे अच्छे से इंजॉय करिए, और होप कि आपको ये पसंद आएगा। और आपको मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ कि इसमें क्या लगता है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, तो आप उनको दिखाते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स। ये हमारा टमाटर है, और टमाटर हमने क्या किया कि रफली कट किया है, उसके अंदर डाला है हमने धनिया की जड़, ये धनिया का रूट्स होता है बेसिकली, इसको कोरिएंडर रूट्स बोलते हैं, तो ये इतना डालना है आपको, इतना करके डालना है। और इसके अंदर क्या डालना है, लहसुन डालना है, और इसके अंदर डालना है जिंजर, और इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन रेड चिल्ली, और थोड़ा सा डालना है आपके इधर शुगर, और बाकी डालना है थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर, ऐसे ये डाल दीजिए ब्लैक पेपर। और ये ब्लैक पेपर डालने के बाद आप क्या करना है, इसको ब्लेंड करना है, इसको पूरा पेस्ट करना है। अभी इसमें तेल डाला, तेल के बाद थोड़ा सा हल्का सा डालना है जीरा, और थोड़ा डालना है गार्लिक, जैसे हल्का सा ये गार्लिक का और इनका तड़का लगेगा, क्योंकि जो शोरबा है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। और आपको शीरे डालना है इसके अंदर, और साथ में डाल देना है टमाटर का घोल, और आपको लगेगा कि ये मोटा है तो थोड़ा सा इसका पानी बढ़ाइए। इस कलर देखिए कितना बेहतरीन कलर इसका आया है, और इसको आप होने देंगे हम बॉयल। एक बार बॉयल होने के बाद जैसे बॉयल हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा आप डालेंगे नमक, नमक डाला, थोड़ा सा डालना है शुगर, ये शुगर डाला, क्योंकि तो खट्टा मीठा हल्का सा तीखा हुआ, गले में काली मिर्च डालिए तो गले में लगेगा, तो इसको बॉयल होने देते हैं अच्छे से। और इसमें डालना है थोड़ा सा चॉप धनिया, ऑयल हो चुका है तो आप इसको अपन लोग सर्व कर सकते हैं वेरी इजीली इस तरीके से, ऐसे। और हल्का सा इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ का, और इसमें आप पी सकते हैं, तो आप कोई बटर पसंद करता है तो हल्का बटर डाल सकते हो, पर मेरे हिसाब से इसमें बटर की उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। शोरबा रेडी है, हल्का गले में लगेगा, थोड़ा सा काली मिर्च से थोड़ा सा फ्लेवर भी है, तो इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं लगते, वेरी इजी रेसिपी है, तो आप घर में इजीली बना सकते हैं, और हेल्थ के लिए बहुत 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 बढ़िया है। तो प्लीज़ ट्राई एंड एंजॉय, लाइक अवर पेज, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।